बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट क्या होती है। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट से मुराद ये होता है कि सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ कि हमारे पास एक वेबसाइट बनने के लिए आई है, इसके अंदर हमारे पास कुछ पेजेज हैं। लाइक मैं अगर एच लिख दूँ, एच से मुराद होम, पी से मुराद प्रोजेक्ट, इस वेबसाइट के जो प्रोजेक्ट है जो बिजनेस के लिए आई है। उसके बाद मैं सी का नाम दे दूँ कॉन्टैक्ट। अब मैं इसको डिसाइड कर लूँगा मेरी ये एक टीम काम करेगी, ये मेरी दूसरी टीम काम करेगी और ये वाला मेरा जो है ये तीसरी टीम काम करेगी। देन क्या होगा कि इन सब को मैं मॉड्यूल को मैंने इसको मॉड्यूल में बेसिकली डिवाइड कर दिया, यानी कि इसके पार्ट्स बना दे। अब इन सबको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, इकट्ठा करने के बाद एक कंप्लीट मेरे पास जो है वो वेबसाइट बन गई। तो वेबसाइट जब मेरे पास कंप्लीट बन गई, इकट्ठा कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन से मतलब आपस में इनको मैंने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमारे पास एक कंप्लीट वेबसाइट बन गई। लाइक हम लोग आगे चलते हैं, इसको इंटीग्रेशन की आपको समझ आ गई, देन आपके लिए आगे लेक्चर समझना बहुत इजी है। उसके बाद हमारे पास होता है कि अकॉर्डिंग टू द पीएम बुक हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक नॉलेज। इसके अंदर गाइड के अंदर फिफ्थ एडिशन में इसके छह मेन प्रोसेस दिए गए हैं जो हमारे पास इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। देन हमारे पास जो सबसे पहला हमारे पास मॉड्यूल आता है वो होता है हमारे पास डेवलपिंग द प्रोजेक्ट चार्टर, यानी कि इसका एक चार्टर बनाना। चार्टर से मेरा ये होता है कि आप लोगों ने विजुलाइजेशन देखी होगी, एक ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। चार्टर होता है ना, हमारे पास चार्ट पेपर होता है जिस तरह का, उसके ऊपर आप लोगों के पास क्या होता है कि कुछ लाइन्स वगैरह ड्रॉ की जाती हैं, उसका ER डायग्राम भी आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग डेटा बेस के बारे में जानते हैं। तो वो अगर मैं सिंपल बताते हैं कि गूगल मैप बनाया होता है कि आप लोग अगर हॉस्टल या यूनिवर्सिटी लेवल या कुछ ऐसे इदारे में चल जाएं जो बहुत बड़ी हो, तो उसके गेट के ऊपर आपको ना एक मैप दिखने को मिलेगा, वो भी एक चार्टर होता है, बताया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा वार्ड किस तरफ है। इसी तरह प्रोजेक्ट के अंदर भी सेम एज इट इसको जो चार्टर बनाया जाता है कि कौन सा पेज, कौन सी टीम किस तरह से किसको मैनेज करना है। उसके बाद हमारे पास आता है कि डेवलपिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अब इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का, मैनेज करने का प्लान बनाया जाता है कि इसका प्लान हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब तक प्लान ना हो किसी चीज़ के अंदर तो वो बेकार होती है, यूजलेस होती है चीज़ें। उसके बाद हमारे पास ये होता है कि डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट। जब हमारे पास प्रोजेक्ट एक बन गया, उसको फिर हम लोग डायरेक्ट मैनेज करेंगे, उसको मैनेजिंग करेंगे, उसकी हम लोगों ने मैनेजिंग के बारे में पढ़ा था, उसकी इनिशिएशन होगी, प्लानिंग होगी, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, ये हम लोगों ने सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर शायद पढ़ा था मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, वो सारे फेजेस हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास क्या होगा कि इसको हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट, यानी कि हमारे पास जो हम लोग ने मॉड्यूल बनाए थे ना, इस मॉड्यूल को हम लोग इकट्ठा करेंगे, फिर उसको मैनेज भी करेंगे और कंट्रोल करेंगे, किसी टीम के पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। जब हम लोग उसको इंटीग्रेशन करेंगे उससे पहले उसको कंप्लीट चेक करेंगे, फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे ना, उसकी फिर हम लोग वर्किंग जो है अच्छे से कंप्लीट अप देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसकी परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, यानी कि अगर हम लोग इसको टेस्ट के दौरान, अगर इसकी परफॉर्मेंस के दौरान कोई इश्यू आ रहा हो, तो फिर हम लोग उसको चेंज करके ना कंट्रोल भी करेंगे, यानी कि किस हद तक उसके अंदर एरर आ रहा है, किस हद तक उसके अंदर जो आपको इश्यूज आ रहे हैं, फिर हम लोग उसको चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है क्लोजिंग द प्रोजेक्ट और फेस, ये हमारे पास लास्ट फेस होता है कि आखिर में हमारा प्रोजेक्ट जो है क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद, फाइनलाइज होने के बाद हम लोग कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। जिससे हम लोगों ने ये मॉड्यूल मैंने एक डायग्राम बनाई थी यहाँ पर, ये हमारे पास लास्ट में हमारे पास इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने के बाद हम लोग अपने डिलीवर कर देते हैं अपने कस्टमर को, ये हमारे पास होता है क्लोज फेस। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। तो आप लोग इन चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना, ये याद रखना है, अगर समझ के पढ़ेंगे देन आपके लिए बहुत ईजी होगा, फिर कभी भी आपको ये नहीं भूलेगा। तो अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।